पीटीएस के अफसरानों को एक हकीकत मिली हुई थी कि एक सज्जाद नाम का जो बीएसएफ में कांस्टेबल है उसका पूरा नाम मोहम्मद सज्जाद सन ऑफ मोहम्मद इम्तियाज है और जो राजौरी के मंजापुर तालुका का शुरू लगाव है वहां का रहने वाला है और गांधीधाम में जो 73 बटालियन जो बीएसएफ की है उसमें एक कंपनी में वो अपनी ड्यूटी करता है। वो आदमी अपने मोबाइल से बीएसएफ की जो सेंसिटिव मैटर होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो पड़ोसी देश को शेयर करता है, उसके बदले में पैसे लेता है और देश के खिलाफ वो गद्दारी करके देश के खिलाफ लड़ने की साजिश कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एटीएस के एसपी इम्तियाज शेख, डीवाईएसपी वीएस चावड़ा और पीआई वीपी पटेल, ये लोगों ने इंक्वायरी शुरू की थी। इंक्वायरी के दौरान इनको जानने मिला था कि ये जो आदमी है मोहम्मद सज्जाद, उसने अपना एक मोबाइल लिया था, जो मोबाइल उन्होंने चेक करवाया तो उसके नाम पे ही था और उसमें इसने अपनी बर्थ डेट 1/1/92 बताई हुई थी। उसके बाद उसका एक पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट चेक किया तो उसमें अपनी पासपोर्ट में उसने अपनी बर्थ डेट 30 जनवरी 1985 दिखाई थी, मतलब अलग अलग दिखाई थी। ये पासपोर्ट के जरिए वो एक बार अटारी से पाकिस्तान भी जाके आया था, वहाँ पे 46 दिन तक रुका हुआ था, ये भी इन्फॉर्मेशन हमको मिली इंक्वायरी के दौरान। उसके बाद वो दूसरा एक नंबर यूज़ करता था, वो नंबर उसने यूज़ किया था तो वो नंबर की तफ्तीश की तो उसमें भी हमको जानने मिला कि ये नंबर पे से उसने एक बार ओटीपी लिया था, वो ओटीपी उसने शेयर किया हुआ है किसी और कंट्री में पाकिस्तान जैसे, और वहाँ से उसका वो व्हाट्सअप चल रहा है हालांकि फ़ोन बंद हुआ था। और ये सब डिटेल देखते हुए हमको लगा कि ये तो काफ़ी सेंसिटिव है और ये काफ़ी नुकसान करने वाली मैटर है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने आज रोज यहाँ पे बीएसएफ में आए थे, बीएसएफ में भुज में जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ के ये सज्जाद आदमी को पकड़ा हुआ है, उसको पूछपरछ किया हो तो उसके पास से दो मोबाइल मिले, दो एक्स्ट्रा सिम कार्ड मिले हैं और जानने मिला है कि वो ये मतलब अपने मोबाइल से ये सब सारी हकीकत बीएसएफ की गुप्त इन्फॉर्मेशन पड़ोसी देश को भेज रहा था, ये बात सही है और आगे की तफ्तीश चालू है। सर अब तक क्या जानकारी उसने भेजी है ऐसा हमारे इंट्रोगेशन में सामने आया? अभी तक इंट्रोगेशन में तो वो बीएसएफ की जो मूवमेंट होती है, बीएसएफ की ट्रूप्स कहाँ चलती है, वहाँ पे कौन कौन अफसर डिप्लॉय किए हुए हैं, वो अफसर की क्या मतलब जिम्मेदारी है, वो सब आगे वो भेजता है। पाकिस्तानी काउंटर पार्ट किसको भेजता था वो इन्फॉर्मेशन और जरिया क्या था? जरिया व्हाट्सएप का था, मोबाइल व्हाट्सएप से भेजता था। और पाकिस्तान काउंटर पार्ट कौन था? वो अभी तो अंकल करके बता रहा है लेकिन उसकी इंट्रोगेशन अभी चालू है। बीएसएफ के पहले वो कहाँ डिप्लॉयड था और वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? कहाँ से? इससे पहले वो ड्यूटी पर कहाँ इंक्लूड था और वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? वहाँ की तो वो तो ड्यूटी पर वो अभी बाकी है, हमको तो यहाँ से ही मिली। गांधीधाम में कब से डिप्लॉय था वो? गांधीधाम 2 महीने से डिप्लॉय। उससे पहले सर कहाँ था? उससे पहले वो त्रिपुरा की तरफ। अभी उसके खिलाफ हम ऑफेंस रजिस्टर करेंगे, उसके बाद उसको इसमें अरेस्ट करके उसके रिमांड लेंगे और इंट्रोगेशन चालू करेंगे। जो मोबाइल मिला है उसमें से क्या क्या सामान हमको बरामद? वो उसको हम सीज करके एफएसएल में भेजेंगे, उसने क्या क्या डिलीट किया या तो क्या क्या सेंड किया उसको रिट्रीव करके उसके आगे इंक्वायरी करेंगे। सर कितने समय से सारी चीज़ें वो भेजता था पाकिस्तान? ये अभी तक जो हमको इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से तो ये 5-6 सालों से भेज रहा था, लेकिन अभी हम इसकी इंट्रोगेशन और उसकी सर क्या प्राथमिक जानकारी में ऐसा सामने आया कि डिफेंस में ज्वाइंट होना कोई मकसद के साथ वो ज्वाइंट हुआ था? हाँ, मैंने बताया कि वो जब बीएसएफ में रिक्रूट हुआ तो उसने अपनी बर्थ डेट गलत लिखवाई थी, हालांकि जो पासपोर्ट में उसकी बर्थ डेट अलग है और इसने जो यहाँ बीएसएफ में भी हुई अलग हुई है। मतलब ये हम मान सकते हैं कि बीएसएफ में रिक्रूट होने के लिए एक लिमिटेड एज होती है, उसकी ओवर एज हो गई थी और ये रिक्रूट होने से पहले पाकिस्तान विजिट कर चुका था, तो मतलब आने का मकसद यही होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन दे के गलत बर्थ डेट लिखवा के बीएसएफ में एडमिट होना और फिर यहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना। बदले में क्या मिलता था उसको सर? पैसे मिल जाते। कितना अभी तक कितना मिला होगा? अभी तक तो उसकी एंट्रो की हम इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे आगे उसमें पता चलता जाएगा।